नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम हैं, पेज नंबर 9 है अपना। पेज नंबर 9 पे, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, और वो जो 10 दिन का छोटा सा बच्चा था ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर जिसका नाम था, उसके मुँह से एक शब्द निकला, ओ वाइस प्रोफेट्स, यानी कि जो प्रोफेट्स आए हुए थे उनके लिए, ओ वाइस प्रोफेट्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, अब वो लोग बड़े ध्यान से यानी चौंक गए। पहले तो वो 10 दिन के बच्चे के मुंह से शब्द सुन के फिर वो चौंक गए, इधर उधर देखने लग गए, एक दूसरे को देख कर वो लोग आँखें अपनी ब्लिंक करने लग गए। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, अब वो बच्चे के मुंह से वापस आवाज़ आती है कि ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, यानी कि वो मैं ही हूँ जिसने बोला। दिस टाइम देर वेर नो ग्राउंड्स नो डाउट्स, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज एगो हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, अब इस बार कोई डाउट नहीं था क्योंकि सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया था, किसी के अंदर कोई शंका नहीं रही, ये वही 10 दिन वाला बच्चा था जिसके मुंह से क्लियरली सारे शब्द साफ साफ लोगों को सुनाई दिए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंशनली एट द बेबी, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी सबसे बुजुर्ग जो सबका हेड था ज्योतिषी, उसने अपने चेहरे से चश्मा हटा के इधर उधर नजरें घुमा घुमा के बार बार उस बच्चे की तरफ देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, फिर उसने क्या कहा, जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन तो मरना ही है, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, अभी हमें आपके लिए आपके प्रेडिक्शंस इसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि जो दुनिया में पैदा होता है उसे एक दिन तो मरना होता ही है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अब ये जो छोटा सा 10 दिन का बच्चा था उसके मुँह से ये शब्द आए हैं कि एक दिन तो सबको मरना ही है जो पैदा हुआ है, लेकिन उसमें अगर कुछ खास है, उसकी मौत का कोई खास कारण है तो वो आप बता दो, और ये स्क्वीकी वॉइस जो थी वो किसके मुंह से निकली थी, वो इन्फेंट यानी 10 दिन का जो बच्चा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अब जो ज्योतिषी था उसने क्या किया, अपनी नाक पे उंगली रखी और इधर उधर बड़े ध्यान से देख रहा था। बेबी वेयरली 10 डेज ओल्ड्स ओपन सिट स्लिप्स इन स्पीच, अब 10 दिन का बच्चा जो है वो इतने आसानी से अपने लिप्स को खोल कर बोल रहा है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन इनक्रेडिबल रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस एंड फैक्ट्स, यहाँ तक कि नहीं कि सिर्फ इतना ही बोलना नहीं, वो 10 दिन का जो बच्चा है उसने कई सारे ऐसे सवाल जो हैं वो लोगों के सामने खड़े कर दिए, जैसे कि अगर एक बुलेटिन नोटिस बोर्ड पर जैसे कि वार के दौरान कुछ नोटिस लगाई जाती है कि लोगों को पता चले, उसी तरह कई सारे क्वेश्चन उन्होंने ज्योतिषी के सामने 10 दिन के बच्चे ने रखे थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, अब उसने अपनी नाक पे से उंगली हटा ली और अपनी आँखें जो हैं वो छोटे से प्रिंस की तरफ, छोटा सा जो राजकुमार था उसकी तरफ घुमाई। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, अब उसने बताया कि ये जो प्रिंस है वो ऐसे समय में पैदा हुआ है जहाँ की आवर ऑफ द बुल, बुल यानी कि होता है जो सांड, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और इसीलिए बुल और टाइगर जो होते हैं वो आपस में दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन, और इसीलिए इसकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर की तरफ से आएगी क्योंकि ये बुल नक्षत्र, जैसे हम नक्षत्र बोलते हैं उसी तरह बुल नक्षत्र में हुआ है, और बुल और टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं इसीलिए इसकी मृत्यु का कारण एक बुल होगा या सॉरी एक टाइगर होगा, ऐसा किसने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, अब इस तरह से जो प्रिंस होता है जंग जंग बहादुर उसको क्या हुआ, जैसे किसी ने उठा के एक झटके में फेंक दिया है वैसे उसे सदमा लग गया जब उसने वर्ड टाइगर सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, अब वो ऐसा ही हुआ जैसा कि किसी ने कुछ सोचा नहीं था। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, और जैसे ही उसने ये वर्ड सुना तो क्राउन प्रिंस जो था यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा था उसने ग्राउल गुराने लगा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल पाए, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी कि टाइगर्स को डर के रहना चाहिए, टाइगर मुझसे डर के रहेंगे। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम,
बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। अब दिस अकाउंट वो कहता है ये खाली एक रूमर है, यानी कि एक अफवाह है कि पूरी प्रतिबंधपुरम में फैला रहे हैं, बट विथ हिंडसाइट लेकिन अगर हम अपने नज़रिए से सोचें तो वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी।